किया नहीं, हमको कमाई किस बात का। तो हम बोला था क्या ना पटना को, वहाँ दिल्ली नहीं, दिल्ली आदमी है और सब उसी ने डाला था पोस्टल होता और रेलवे और उसमें आज के डेट में सब खराब इतना आदमी है ना, हमको सीबीआई ने गवाही के लिए बुलाया गया था। निर्माण कार्य हो रहा है उसी में जो ट्रैक बिछाया जा रहा है उसका आयरन की चोरी की जा रही थी बड़े पैमाने पे और उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया है। उसमें हाइवा है, हाइड्रा जो लोड करने वाला है ट्रक है और पांच अन्य आदमी, दो तीन आदमी भाग गए थे घटनास्थल पर जिनके द्वारा संगठित रूप से चोरी कराया जा रहा था। और जो अब तक पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि एक बहुत बड़ा गिरोह है जो रेलवे की संपत्ति को लोहा को चुरा करके फैक्ट्री में पहुंचाते हैं, इसमें अन्य लोग जो शामिल है उस संबंध में रेलवे के द्वारा अनुसंधान किया जाएगा और पता लगाया जाएगा। तत्काल आरपीएफ सहरसा के पदाधिकारी कर्मी आए हुए हैं और चूँकि यह रेलवे से संबंधित है उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि यह भारतीय रेल की संपत्ति है और ट्रैक निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार से लोहा ट्रैक रेल ट्रैक को आवंटित किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा केस को उनको हैंड ओवर करने का अनुरोध किया गया है। हम लोग रेल को कर रहे हैं, ये केस उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, परंतु स्थानीय स्तर से पुलिस अधीक्षक महोदय का भी निर्देश हुआ है इस संबंध में विस्तृत जांच किया जाए कि और गैंग में कौन कौन लोग हैं शामिल और हम लोग रेलवे सहरसा को भी मदद करें। और हमारे यहाँ अगर पूर्व में चुरा करके रेलवे ट्रैक को रखा गया हो तो उसमें भी हम लोग आगे की कार्रवाई करें ताकि भारतीय रेल की संपत्ति का नुकसान नहीं हो।